हे वेलकम बैक टू टू लर्न कंप्लीट माय नेम इज सिंह ठाकुर आज हम बात करने वाले हैं एन टी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो कि आया था दिसंबर 2012 में दिसंबर 2012 के पेपर टू की बात करेंगे हम ये पार्ट वन है क्योंकि हम 25 क्वेश्चन करते हैं हर वीडियो में ताकि वीडियो बहुत बड़ी भी ना हो और कोई स्टूडेंट जो है वो बोर भी ना हो ओके अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि इसकी पी शेयर कर दिया कीजिए तो इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है एक नया आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 2012 के पेपर की जो कि बहुत ज़्यादा इजी आया था कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट था नहीं पेपर टू जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था बहुत इजी पेपर था पेपर थ्री थोड़ा मॉडरेट सा था तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर टू की ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की ओके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द आइसो प्वाइंट आइसो पॉइंट हमें पता है कैसे होता है ऐसे होता है ठीक है यहाँ पे हम कैपिटल लेते हैं और यहाँ पे हम लेबर लेते हैं तो ये पूछ रहा है अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं एसोकंट में तो एम आर टी एस फॉर ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल यानी कि एम आर टी एस एल के की ये बात कर रहा है तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे माइनस डी के बाई डी एल से डी के बाई डी एल से एल बाई डी के से या फिर माइनस एल बाई डी के से देखिए जब हम एम आर टी एस एल के लिखते हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एल के लिखा है तो जब ऐसे लिखा हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस में चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन लेबर यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एल के होगा तो मार्जिन प्रोडक्ट एल अपॉन में के होगा लेकिन चेंज इन कैपिटल ऊपर आएगा और चेंज इन लेबर नीचे आएगा और वहीं पे अगर इनके प्राइजेस की बात करें तो सबसे ऊपर आएगा लेबर का प्राइस लेबर का प्राइस यानी कि वेजेस और नीचे आएगा कैपिटल का प्राइस यानी कैपिटल का प्राइस यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम एम आर टी एस एल के को ऐसे डिनोट करते हैं वहीं पर अगर ये हो जाता है एम आर टी एस के एल अब यहाँ पे क्या हो जाता है ये एम पी के अपॉन में एम पी एल इज इक्वल टू में माइनस डेल एल अपॉन में डेल K इज W, ओके okay? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है एम आर टी एस एल के तो MRTS इसके होता है ओके okay? तो यहाँ पे क्या माइनस डी के अपॉन में ये आप देख सकते हैं माइनस डेएल के अपॉन में डेएल तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट देखिए हमें पता है कि ये पावर किसके पास होती है जो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सके वो होती है मोनोपोली के पास और मोनोपोली जब डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है डिफरेंट मार्केट में तो उसे हम कहते हैं प्राइज डिस्क्रिमिनेशन ओके जब वो सिंगल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा तो उसे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं जब वो बल्क में अगर आप जैसे कि पांच क्वांटिटी ले रहे हैं उसके साथ एक फ्री दे रहा है तो उसे हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे और एक होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे आप फर्स्ट बुकिंग के लिए कुछ डिस्काउंट मिल गया आपको ओल्ड एज पीपल के लिए अलग से डिस्काउंट मिल गया आपको सीट uh, बुकिंग में तो उसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके अलावा जब हम कंज्यूमर्स को एक बार क्वेश्चन आया था कि कंज्यूमर्स को जब हम डिफरेंट सब मार्केट में डिवाइड कर देते हैं और हर मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं तो उसे हम कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तो याद रखिएगा उसे हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं जब हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को सब मार्केट में डिवाइड कर देता है तो उसका आंसर हो जाएगा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब यहाँ पे हमसे सिंपल पूछा है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करना डिफरेंट मार्केट में तो उसे हम क्या कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी देखिए इसमें पूछा है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में सबसे सिग्निफिकेंट क्या है देखिए स्टेबलाइजेशन पॉलिसी काम बेसिकली है गवर्नमेंट का ओके okay, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके रखना काम होता है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे कुछ जब एन की की आई थी तो उसमें कन्फ्यूजन थी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में देखिए बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये इनकम जनरेट नहीं करती ओके okay? तो जब भी आपने मल्टीप्लाइर का कॉन्सेप्ट देखा होगा वहाँ पे हम इंड्यूज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं ओके तो यहाँ पे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ही मेन लेके चलेंगे ऑप्शन में दिया होता सी एन डी बोथ आर करेक्ट तो हम दोनों को ले सकते थे लेकिन यहाँ पे हम डी ही मान के चलने वाले हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वी सर्कल ऑफ पॉवर्टीज एसोसिएट बाय किंडलबर्गर्स कंप्यूटर रैगना फ्रिज या फिर गुनर मेडल देखिए रेगुनर फ्रिज ये रेगनर देख के लोग बहुत सारा ये ऑप्शन लगा के आ जाते हैं देखिए रेगुनर नक्स ने ये कंसेप्ट दिया था ओके रैगनर नक्स ने ये कंसेप्ट दिया था नाइनटीन फिफ्टी थ्री में जबकि गुनर मेडल के द्वारा भी ये कंसेप्ट दिया गया था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में कब दिया गया था जब उनकी थ्योरी ऑफ सर्कुलर क्यूमुलेशन ऑफ पोजिशन आई थी ठीक है तो गुनर मेडल ने एक कंसेप्ट दिया था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में अगर यहाँ पे नक्स होता तो हम नक्स लगाते ठीक है लेकिन यहाँ पेग्नसेप्ट नहीं दिया था ऑप्शन तो ने किसकेटिव में अपना मॉडल बनाया था वो थार डोमन मॉडल अब हैर डोमन मॉडल में क्या बात हुई थी कि भाई अगर एक बार हम इक्विलिब्रियम से हट गए तो हम वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे और उसका कारण क्या था जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे वो सब्सिट्यूटेबल नहीं थे वो फिक्स प्रोपोर्शन में हमने यूज़ किए थे लेकिन सोलो ने क्या कहा था कि जो हमारे फैक्टर और प्रोडक्शन है वो सब्सिट्यूट हो सकते हैं इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन इस केस में क्या थी वन क्योंकि उन्होंने क्या लिया था कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ किया था ओके okay? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब हैरोडोमन मॉडल और सोलो मॉडल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आपने नहीं देखी तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्टेक्टेड फ्रॉम ग्रोस फिजिकल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी देखिए ग्रोस फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे तो हमारे पास आएगा प्राइमरी डेफिसिट ओके क्योंकि यहाँ पे हम ग्रोस यूज कर रहे हैं तो यहां पे ये हो जाएगा ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इफ द डाटा रिलेट टू रेट प्रोपोर्शन एंड रेशो अब ये जो क्वेश्चन है ये नेट के एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है और इसके अलावा सेट के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है इवन पीजीटी के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से कि जब रेट्स प्रोपोर्शन एंड रेशो में हमारे पास डाटा दिया हुआ है तो जो बेस्ट मेजर होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देखिए कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन बेसिकली आई थी 1857 में जब रिकार्डो ने इसे पेश किया था ओके okay, लेकिन ये हेब्रलेन ने इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन दिया था 1930 सिक्स में तो अगर हमसे पूछा जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट डॉक्ट्रिन किसके द्वारा दिया गया था हेपरलर के द्वारा दिया गया था नाइनटीन थर्टी सिक्स में दिया गया था इसका ईयर भी ये पूछ सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे इन्होंने बात करी थी इंक्रीजिंग कॉस्ट की डिक्रीजिंग कॉस्ट की कॉन्स्टेंट कॉस्ट की ओके तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाई ब्रंटलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब हमने रखे थे तो वहीं पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डेफिनेशन दी थी जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन भी मानी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हाइएस्ट ग्रोथ रेट वॉज अचीव ड्यूरिंग देखिए प्लानिंग पीरियड में क्या ग्रोथ रेट का टारगेट था और क्या अचीव हुई थी ये याद करना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है आप इसे याद कर लीजिएगा ये डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है ये एक्चुअल ग्रोथ है ओके टेंथ प्लान पीरियड की यहाँ पे ग्रोथ नहीं दी गई टेंथ प्लान में हमारी ग्रोथ हुई थी सेवन पॉइंट एट परसेंट इलेवेंथ में हुई थी हमारी ग्रोथ सेवन पॉइंट नाइन परसेंट और ट्वेल्थ में हुई थी अप्रॉक्सीमेटली एट परसेंट के आसपास ओके okay, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे पूछी गई है एटथ टेंथ नाइन्थ और सेवन्थ में से किसकी ज़्यादा थी एटथ प्लान में आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेट थी सिक्स पॉइंट एट परसेंट टेंथ प्लान में हमारी ग्रोथ रेट थी सेवन पॉइंट एट परसेंट नाइन्थ में थी हमारी फाइव पॉइंट फोर परसेंट और सेवन्थ में थी हमारी सिक्स तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ किस में थी टेंथ फाइव ईयर प्लान में थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वॉज प्रोपाउंडेड देखिए लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दी गई थी मार्क्स के द्वारा और मार्क्स के बाद इस पर किसने बात की थी एडम स्मिथ और रिकार्डो ने तो अगर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी यानी कि एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द फीचर ऑफ क्लासिकल सिस्टम आर क्लासिकल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं मॉनेट्री फैक्टर डिटरमाइन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ये बिल्कुल गलत है क्लासिकल ने कहा था फैक्टर सिर्फ क्या डिटरमाइन करेंगे प्राइजेस डिटरमाइन करेंगे ना ही आउटपुट डिटरमाइन करेंगे ना ही एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करेंगे क्योंकि आउटपुट एन एम्प्लॉयमेंट हमारे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में हम चल रहे होते हैं ठीक है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्लासिकल का ये कैक्टरस्टिक नहीं थी क्लासिकल का ये फीचर नहीं था सेकेंड ऑप्शन हमारा कहता है सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ द इकॉनमी ये बात बिल्कुल सही है क्लासिकल ने माना था इकॉनमी अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेती है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है हमें मार्केट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगी स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको भी बोला क्लासिकल ने कहा था कि हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती इकॉनॉमी को तो स्टेट एक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट में तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन द एबसेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल यानी कि स्टेट के कंट्रोल की एबसेंस में मार्केट जो है अपने आप ऑटोमा ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे आ जाएगी तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है ऑप्शन बी एंड डी हो जाएंगे इसके करेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टू देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट की बात की गई थी पिकअप एंड वाइजमैन हाइपोथिस के द्वारा जिसमें इन्होंने क्या बात की थी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो स्मूथ और कॉन्टिन्यूस मैनर में मूव नहीं करता जबकि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो मूव करता है वो जर्स और स्टेप लाइक मैनर में मूव करता है यहीं पे इन्होंने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट की तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा

हम नहीं करते यहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उसके बाद आएगा जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी रेट ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रियल जीडीपी पर कैपिटा कंबाइंड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी रेट ये भी ऑप्शन ठीक है तो अगर आपसे मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ऑप्शन बी भी आ सकता था लेकिन क्योंकि ऑप्शन बी ओनली ऑप्शन बी ऑप्शन में नहीं है तो हम ए और बी दोनों लेके यहाँ पे चल रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीडीपी पर कैपिटा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट देखिए इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की बात हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं करते तो जहां भी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है उसे आप गलत कर दीजिएगा जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्वेश्चन आता है दो चीजों में आपसे कन्फ्यूज करने की कोशिश की जाती है एक तो इन्फेंट मोर्टैलिटीरिटी रेट पे और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज वन ये दोनों ऑप्शन आपको जहां भी दिखे उस ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा ओके तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी यानी कि ऑप्शन ए हो गया इसका उंड बाई फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले जो है अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल दिया गया था एलबर्ट ओ हिचमैन के द्वारा लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूँ, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी यूजीसी नेट की उसमें आंसर आपको दिया गया था ए एंड बी यानी कि हिचमैन सिंगर के द्वारा लेकिन क्योंकि ये किसी ने चैलेंज नहीं किया था तो तो ये आंसर यही रह गया लेकिन क्योंकि सबसे सबसे फर्स्ट पूछा है तो सबसे पहले अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल की बात की थी अल्बर्ट हो हिचमैन ने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस कॉन्सेप्ट की बात करता है देखिए हैरिड डोम मॉडल ने बात की थी एक्चुअल ग्रोथ की वारंटिड ग्रोथ की एंड नेचुरल ग्रोथ रेट की एक्चुअल ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है वारंटिड ग्रोथ रेट जहाँ पे हम कैपिटल फुली यूटिलाइज करते हैं और नेचुरल ग्रोथ रेट जहाँ पे हमारी लेबर भी फुटी फुली यूटिलाइज हो जाती है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सी है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी को क्या कहा जाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ बिल्कुल सही है फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी को हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जब हम मॉडर्न थ्योरी कह रहे हैं तो हम क्लासिकल तो कहेंगे नहीं तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है ये रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी ये भी गलत है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी नहीं कहते हैं हम इसे फैक्ट्री प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल डिमांड जरूर कहते हैं ओके तो इसका आंसर ए एंड डी हो जाएगा और ए एन डी कौन है? में है सी ऑप्शन में तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थ्योरी जो है ये सारी हैं ओके okay? लेकिन इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली है इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो है अडोल्ट फ्रैगनेंस की थ्योरी अब इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था जैसे जैसे रियल इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे ही लॉन्ग रन टेंडेंसी होती है कि हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा ओके okay, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस कहती है कि अगर आप 25 परसेंट से ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर कह दीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट से ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करना है ओके okay, अब यहाँ हम बात करें इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर की तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है डॉक्स की है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थ्योरी कहती है कि आप जब डिपार्टमेंटल वाइज काम बांट देते हैं यानी कि आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में ओके okay? तो ये इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात यहां पे नहीं कर रही स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हाइपोथेसिस कहती है कि गवर्नमेंट का रोल होता है प्राइजेस को कंट्रोल करना बेसिकली यहां पर भी ये अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की ही बात कर रहे हैं ओके okay? तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थ्योरी है अडोर्स हाइपोथिस जो कहती है जैसे जैसे इंक्रीज इन इनकम होगा वैसे वैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ब्रेटनवुड सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय देखिए सिस्टम के अंदर आईबीआरडी और IDA जो है ये मिलके बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ओके ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलके वर्ल्ड बैंक बनाती है और अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर फाइव ऑर्गेनाइजेशन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा मुझे कि कौन कौन सी फाइव ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती है अब इस वर्ल्ड बैंक का काम होता है पुअर कंट्रीज को डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करना तो फिर आईएमएफ का क्या काम होता है आईएमएफ का, का काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई डेफिशिट है तो ये उस कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसमें ये लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ आईबीआरडी और आईडी का, का काम होता है पुअर कंट्रीज को डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करना तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस द पॉवर्टी लाइन एस देखिए ये क्वेश्चन आया है 2012 के पेपर में ओके okay? अब 2012 में प्लानिंग कमीशन ने जो बात की थी प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी की ही बात करी थी और तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा था कि जो बंदा 26 पर परसेंट पर डे खर्चता है रूरल एरिया में और 32 पर परसेंट पर डे खर्चता है अर्बन एरिया में ये पॉवर्टी लाइन को दर्शाता है अगर इससे कम खर्च कर रहा है तो वो पॉवर्टी के अंदर है और इससे ऊपर खर्च कर रहा है तो वो पॉवर्टी से बाहर है ओके वहीं पर रंगाराजन कमेटी जो आई थी उन्होंने बात करी थी रूरल एरिया में थर्टी पर पर्सन और अर्बन एरिया में फोर्टी सेवन पर पर्सन पर ओके अगर आपसे प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं सिर्फ तो आप हमेशा तेंदुलकर कमेटी को कंसीडर करेंगे यानी कि ट्वेंटी सिक्स रुपीज पर पर्सन रूरल एरिया एंड थर्टी टू रुपीज पर पर्सन अर्बन एरियाज में वहीं पे अगर सीधा ये रंगराजन पूछ लेता आपसे तो थर्टी टू पर पर्सन रूरल एरिया एंड फोर्टी सेवन पर पर्सन अर्बन एरियाज हो जाता रंगाराजन के केस में तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी एंड सी किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन सी में तो इसका आंसर क्या है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टेंडेंसी टू ऑलिगोपोली के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कॉल्यूड करने की यानी कि एक दूसरे से मिलके काम करने की क्यों होती है इंटर डिपेंडेंस ऑफ फर्म्स इन ऑलिगोपोलिस्ट मार्केट क्योंकि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में फर्म जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं एक प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरे को भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अगर अपनी सेल बढ़ानी है ओके तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं इसीलिए यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे के साथ ये कोल्यूड करके ही चलेंगी अगर कोई फॉर्म प्राइस बढ़ाना चाहती है तो ये इकट्ठे ही प्राइस बढ़ाएंगी इकट्ठे ही कम करेंगी तो ये बिल्कुल सही है असर्शन ठीक है इसका और ये रीज़न भी इसका बिल्कुल ठीक दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ ए एन आर करेक्ट एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन शॉर्ट रन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल लेबर एंड मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन देखिए शॉर्ट रन में आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल फैक्टर जो है वो लेबर एंड रॉ मटेरियल होता है एक फैक्टर हमारा फिक्स होता है ज्यादातर हम किसको फिक्स करते हैं कैपिटल हमारी जो है वो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा ओके okay? तो जो शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट आता है यानी कि जो कॉस्ट बढ़ता है एडिशनल आउटपुट को इंक्रीज करने का वो किसकी वजह से होता है एडिशनल लेबर और मटेरियल यूज करने की वजह से होता है ओके okay? क्यों क्योंकि मटेरियल एंड लेबर यूज इन द प्रोडक्शन अलोन वेरी इन द शॉर्ट रन क्योंकि सिर्फ मटेरियल एंड लेबर जो हम यूज करते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं शॉर्ट रन में तो ये बात बिल्कुल सही है असर्शन इसका बिल्कुल ठीक है और रीजन भी इसका बिल्कुल ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बोथ एन आर आर करेक्ट एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पोस्ट रिफॉर्म लिबरल ट्रेड पॉलिसी हैव ग्रोथ देखिए पोस्ट रिफॉर्म यानी कि रिफॉर्म्स हमारे कब आए थे 1991 अब रिफॉर्म के बाद क्या हुआ है ट्रेड पॉलिसी हमारी लिबरल हो गई थी यानी कि बहुत ज्यादा ओपन हो गई थी हमने क्या कर दिया था लाइसेंस राज खत्म कर दिया था अब प्राइवेट फर्म्स के हाथ में बहुत ज्यादा फर्म्स आ गई थी हमने क्या किया था डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में जो कंपनियां थी वो हमने प्राइवेट सेक्टर को भी देना शुरू कर दिया था ताकि वो बेटर तरीके से रन कर सकें हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था ओके okay, तो लिबरल ट्रेड पॉलिसी आई थी जिसने इंडिया की ग्रोथ को बढ़ा दिया था यह बात बिल्कुल सही है प्राइवेट एंटरप्राइज गोड अपॉर्चुनिटी टू तो कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ तो इंडियन मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री देखिए रिफॉर्म से पहले क्या होता था लाइसेंस राज होता था यानी कि किसी भी प्राइवेट फर्म को अगर आपने फर्म इस्टेब्लिश करना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है आपको कई टाइप के तो लाइसेंस लेने पड़ते थे मोर देन फिफ्टी लाइसेंस की जरूरत होती थी आपको प्राइवेट फॉर्म स्टैब्लिश करने पे लेकिन जब हमने अपनी इकोमी को लिबरेट कर दिया रिफॉर्म ले आए तो उसके बाद क्या हुआ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अपॉर्चुनिटी मिल गई इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने से और इसीलिए हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टिमुलेटेड हुई है तो ये बिल्कुल सही है असर्शन भी ठीक है इसका रीज़न भी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोथ ए एन आर आर करेक्ट एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्योर प्राइवेट गुड ये बात बिल्कुल सही है कोई गुड जिसमें से आप किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हैं किस पर्सन को जो पे नहीं करेगा उसे वो सर्विस नहीं मिलेगी जो पे करेगा उसे ही सर्विस मिलेगी ये प्राइवेट गुड के केस में होता है ओके ये एक और गुड के केस में होता है जिसे हम क्लब गुड कहते हैं लेकिन यहाँ पे क्लब गुड के बारे में पूछ नहीं रहा आपसे यहाँ पे प्राइवेट गुड के बारे में पूछ रहा है क्या प्योर प्राइवेट गुड के केस के में ये पॉसिबल होता है उसे प्योर प्राइवेट गुड आप कह सकते हैं जिसमें आप एक पीसी पर्सन को एक्सक्लूड कर सकें ये बात बिल्कुल सही है हम उसे प्राइवेट गुड कह सकते हैं सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय द स्टेट ये बात भी बिल्कुल सही है वो सर्विसेज स्टेट जो है फ्री में प्रोवाइड नहीं करती तभी उसे हम पब्लिक गुड कहते हैं तो इसका असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंट्रीज ए पुअर बिकॉज इट इज पुअर ये बात बिल्कुल सही सी एग्न ने ये कहा था ये मैंने आपको बताया पहले भी ओके अब ये क्यों होता है क्योंकि इनकम ऑफ ए पुअर कंट्री इज लो सो इट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लो ये वही है पॉवर्टी सर्कल की हम बात कर रहे हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी लो इन्वेस्टमेंट लीविट प्रोडक्टिव कैपेसिटी विच लीड्स टू लो आउटपुट एंड इनकम और इनकम कम है तो इसकी वजह से सेविंग कम है सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है तो ये एक तरह से सर्कल चलता रहता है जिसकी बात किसने की थी नर्क से तो इसी सर्कल की वजह से क्या होता है अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर ठीक है तो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है और इसका रीजन जो दिया हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ ही एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ये थे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पेपर टू के आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे अब आप लोगों से कितने ये क्वेश्चन सोल्व हुए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं न्यू टेलीग्राम चैनल हमने ओपन किया है आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर अब जो भी वीडियो आएंगे उसकी पी शेयर कर दी जाएगी ओके मिलते हैं पार्ट टू में पेपर टू का जब हम पार्ट टू करेंगे उसमें मिलते हैं तब तक बी सेफ कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद